गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब? होप करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी, अपने छोटे भाई भाभी और भतीजी के साथ शहर आनंदपुर साहब, क्योंकि मम्मी का कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है। शुगर, हाई बीपी की प्रॉब्लम है मम्मी को, तो वहाँ से ट्रीटमेंट चलता है। और छोटी भाभी को भी दिक्कत चल रही है, कमर में पेन रहता है लगातार, तो उनको भी दिखाना है डॉक्टर के पास। और कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, वो सब आपके साथ मैं शेयर करूंगी। सो लास्ट तक बने रहेगा। रास्ते में किसी गुरुद्वारे के आगे कुछ लोगों ने छबील लगा रखी थी नींबू पानी की, जो कि भलाई का काम है। इतने गर्मी में लोगों की नींबू पानी के जरिए सेवा करना। और यहाँ पर गैस मैं अपने घर के लिए बेडशीट देख रही हूँ, और ये वाली मैंने पसंद की है, लास्टिक वाली। और इसके बाद गैस हम पहुँच चुके हैं कपड़ों की शॉप पर, क्योंकि मम्मी ने खुद के लिए, भाभियों के लिए और मेरे लिए सूट लेने हैं। और इसके बाद गैस हम आ पहुँचे कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि मैं और मम्मी तो ब्रेकफास्ट भी करके नहीं आए थे, भूख लग रही थी। और मम्मी को खुद पहनने के लिए चूड़ियाँ चाहिए थी, तो मम्मी के लिए चूड़ियाँ देख रहे हैं। और अभी गाइस हम निकले हैं इवनिंग वॉक के लिए। एक दिन छोटी भाभी हमारे साथ जाती हैं, तो दूसरे दिन बड़ी भाभी जाती है हमारे साथ ही इवनिंग वॉक के लिए, और बहुत मज़ा आता है। अभी गाइस आपको पहाड़ी रास्ते देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेरे दोनों भाई और मेरा बेटा चल पड़े हैं। हमारे जो पुश्तैनी घर थे, हमारा जो गांव था मेन गांव, वहां पर माथा टेकने के लिए जाना है। यहां पर आप देख सकते हैं, ये संत महात्माओं के मंदिर हैं। एक्चुअली मुझे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा कि मैं मंदिर बोलूं या क्या बोलूं, मंदिर ही बोल रही हूं। तो यहां पर माथा टेक रहे मेरे दोनों भाई, क्योंकि यहां पर माथा टेका जाता है। हमारा जो मायके का परिवार है यहाँ पर, ठीक है, ये प्लेन जगह पर है, लेकिन इसके आगे पहाड़ी रास्ता शुरू हो जाएगा जो कि हमारे गांव तक जाएगा। वो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। एक्चुअली मैंने अपना फ़ोन अपने बेटे को दे दिया था कि आप रिकॉर्ड कर लेना थोड़ा थोड़ा सीन। हमारा गांव, एक्चुअली जो मेन गांव था वो गांव ना रहकर अभी जंगल बन चुका है। जो भी घर थे वो एक एक करके नीचे के गाँव में आ चुके थे, और वहाँ पर जो घर थे, हमारा घर और जो और घर थे, वो घर खंडर बन चुके हैं। लेकिन जो निशानियां बची हैं वो भी रिकॉर्ड की हैं मेरे बेटे ने, क्योंकि मैंने बोला था कि आप रिकॉर्ड कर लेना, क्योंकि शादी के बाद मैं तो जा नहीं पाई इस हमारे इस गांव में। बचपन में छुट्टियों में तो हम खूब गए हैं, जून की छुट्टियों में हमारा आना जाना यहां पर रहता था। हम अपने पुश्तैनी घर, अपने दादा दादी के, अपने खुद के घर जरूर आते थे हर छुट्टियों में। अपने चाचा ताया के बेटे बेटियों के साथ खूब मस्ती करते थे, अपने बहन भाइयों के साथ बहुत अच्छा हमने बचपन एक दूसरे के साथ छुट्टियों में स्पेंड किया है। खूब फूड्स खाए, खूब मस्ती की है। बहुत मिस करते हैं उन दिनों के को, लेकिन ठीक है, वक्त बदलता है, सब कुछ बदल जाता है, लेकिन हाँ मिस तो करते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पहाड़ी रास्ते शुरू हो चुके हैं, पहाड़ों पर चढ़ना शुरू हो चुके हैं भाई और मेरा बेटा जो है। आगे आपको मैं, अच्छा आप जो अभी घर देख रहे हैं, ये भी हमारे एक रिलेटिव का घर है। यहीं से हमारा गांव जो घर हैं वो स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर आम तोड़ रहे हैं, क्योंकि आम के
पेड़ पौधे यहाँ पर बहुत हैं, तो सोचा कि आम भी ले चलते हैं, घर के लिए आए हैं। और अभी आपको आगे देखने को मिलेंगे हमारे घर, आप ध्यान से देखिएगा अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारे जो मेन घर था, पुश्तैनी घर था, वो कैसा था। हालांकि निशानी रह चुके, खंडर बन चुके हैं, बट फिर भी एक्चुअली मैं खुद ही इतना शौक रखती हूँ ना देखने के लिए, तो सोचती हूँ कि रिकॉर्ड कर लूँ आपके लिए। ये रहा हमारा घर, हमारे दादा दादी का, चाचे ताई का, हमारा खुद का, जो कि निशानी रह चुके हैं, पत्थर के घर हैं, बहुत मिस करते हैं। और ये आप पहुँचे हैं गाँव के, हमारे गाँव के संत महात्माओं के मंदिर में माथा टेकने के लिए दोनों भाई। और अभी बच्चे अपने छोटे मामा मामी के साथ निकल पड़े अपनी छोटी मामी के मायके। दोपहर के तकरीबन 12 बज रहे हैं और शाम 7-8 बजे के करीब पहुंच जाएंगे घर वापस। हो गई ओ देखो बच्चे रखन वास्ते रखन नहीं लेता अच्छा मैं छोड़ती खेलो थोड़ी देर बस छोड़ना नहीं ना रखन वास्ते बाकी बना ले खेल ले कुछ तो पूछ पे। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30। मैं और बच्चे तैयार हैं, आज हमें घर वापस जाना है। जी हाँ, आज है 10 जून। मैं घर पर 10 दिनों का बोल कर आई थी कि 10 दिनों के लिए जाना है, आज 10वां दिन है, आज हम वापस जा रहे हैं। तो मैं तैयार हूँ, बच्चे तैयार हैं, आधे घंटे तक निकल जाएंगे हम यहाँ से 10 बजे तक। यहाँ पर पोपट हो गया हमारा क्योंकि बस मिस हो चुकी है, अगली बस बहुत लेट आनी है। तो बड़े भाई ने बोला है कि घर वापस चलते हैं, मैंने हस्बैंड से भी पूछ लिया था, वो भी बोल रहे हैं कि कल या फिर परसों आ जाना। तो घर जाने से पहले मार्केट आए हैं क्योंकि बड़े भाई ने इश्ता को ड्रेस दिलवानी है, अनमोल के लिए दिलवा दी थी अनमोल को, मेरे को भी कपड़े ले लिए थे, बट इश्ता को और खुद के लिए बड़े भाई जो हैं कपड़े देख रहे हैं। तो इश्ता के लिए ये पिंक ड्रेस पसंद की है, बहुत अच्छी लग रही थी उस पर। और इश्ता को खुद ऐसी ड्रेसेस बहुत अच्छी लगती हैं, उसकी खुद की पसंद है कि मुझे ऐसी ड्रेस चाहिए। कर दी अलीशा। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के बज रहे हैं 9 से 9:30 के बीच का टाइम है और कल हमारा जाना कैंसिल हो गया क्योंकि एक तो घर से हम लेट निकले और वहाँ पर जाने के बाद पता चला, बस स्टैंड जाने के बाद पता चला कि बस काफ़ी लेट है। तो बड़े भाई ने बोला कि इतनी लेट जाने का कोई मतलब नहीं बनता, लेट पहुँचोगे, 8-9 बजे के करीब हम पहुँचते अगर कल की बस पकड़ते हम जाते। तो घर पर भी मैंने फ़ोन करके पूछा अपने हस्बैंड से कि ऐसे करके बात है, क्या करना चाहिए, तो उन्होंने भी बोला कि कल या फिर परसों आ जाना। तो आज गाइस मैं, बच्चे, भाभियाँ और भाई जाएंगे कीर्तपुर साहिब शीतला माता का माथा टेकने के लिए बच्चों के लिए, और घर वापसी हमारी कल होगी, कल वापस घर जाएंगे। और इस ब्लॉग की एंडिंग मैं यहीं पर करती हूँ गाइस, होप यू लाइक दिस। So please don't forget to like, share, comment and subscribe to our YouTube channel. Till then, bye, God bless you, bye bye. और हो सकता है कि अभी मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊँ, लॉन्ग वीडियो मैं बिल्कुल नहीं बनाने वाली अभी,
क्योंकि एक तो दो तीन दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही, तीन दिन से मेरे सिर में लगातार दर्द चल रहा है, एकदम से दर्द उठ खड़ता है, तो वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता। तो जो लॉन्ग व्लॉग है वो यहीं तक का, इसके बाद हो सकता है मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड करूँ। सो या टिल देन बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।